क्रिकेट को क्रिकेट की तरह समझो, इतने जज्बात उसमें लगाओ कि तुम्हारी टीम उस चीज को समझे। हम लोगों ने मी एंड अंसार ऑफ ऑल पीपल वी वॉच्ड इट ऑन पीटीवी। एक बार कुछ मैच हो रहा था, उसमें हमने जरा बड़ी गाली दे दी आउट होने के ऊपर, तो उन्हीं ने कहा अब्बू जी एक प्लेयर के अब्बा का क्या कसूर है। कौन साहब, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम ये है कि बंबई में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, इनको वहां नहीं भेजा स्टार स्पोर्ट्स। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद है आज एवरग्रीन नौजवान फायक अंसारी साहब। फायक अंसारी साहब आपको देखने में कुछ कुछ मेरे जैसे लग रहे होंगे, क्योंकि ये मेरे वाहिद बचे हुए मामू रह गए हैं। मेरे एक और मामू थे, उनकी डेथ हो गई थी काफ़ी साल पहले, और उनसे मेरी काफ़ी मुलाकातें थी। और फायक अंसारी साहब डिस्पाइट बींग माई मदर्स यंगर ब्रदर, मैं इनसे बहुत कम मिला, और इसकी एक वजह वाहिद वजह इंडिया और पाकिस्तान थी। Shoot it up in the air, he will be caught. And India looked like winning for a long time. The visit. And it's a six, and what a terrific goal for Pakistan! With a six and a flourish, they win. And there's the coming back. इस वक्त फायक अंसारी साहब, जिनको मैं मामू जी कहता हूँ, वो मस्कत में बैठे हैं, और अमिताभ के डायलॉग खुश तो बहुत होगे तुम आज की तरह बहुत हंस रहे हैं। कैसे हैं मामू जी, खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत खुशी हो रही है आपको देख करके भी, और जाहिर है ये कलक तो है कि मुलाकातें आप लोगों से कम रही, आप लोगों से इसलिए कि बहन तो हमारी आती जाती रही, यहाँ भी हमने उनको बुला लिया, वो मुलाकात मस्कत में भी रही, वो एक बार हिंदुस्तान भी आई थी, इत्तेफाक से हम भी पहुँच गए थे, तो उनसे तो मुलाकात रही है, लेकिन आप लोगों से जाहिर जब हम वहाँ गए हैं तो ही मुलाकात हुई है, और वो काफ़ी कम रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से बेहतर उम्मीद है। 2012 में आप आए थे आखिरी बार पाकिस्तान, और उससे पहले आप आए थे 85 में। या तो आप सोच लीजिए कि 27 इयर्स मिले ही नहीं हम लोग। अच्छा ये बताइए, आप एक तो आपने डिस्टिंक्शन हासिल कर लिया नया, कि यू आर फ्रॉम दोज पीपल जिन्होंने 1983, 2007, 2011 और 2024 ये चारों वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है क्रिकेट में, T20 हो गया, 50 ओवर्स हो गया, सब देखे हैं और सेलिब्रेट किए, कैसे एक्सपीरियंस आप इसको देखते हैं? यार अगर इनको पूरा हम 83 से लेके 2024 तक के करें तो अव्वल तो ये लगता है कि उम्र बहुत हो गई है, इसलिए कि 83 में भी जब जीता है वर्ल्ड कप इंडिया ने तो हम नौकरी कर रहे थे और हम देहरादून में थे, और टीवी वही दूरदर्शन के ऊपर आता था, तो वो कभी कभी, और हम रहते ऐसी जगह थे कि वहाँ कॉमन फोन ये था टीवी, और वहाँ कुछ संवाद भी रहती थी, कोई और प्रोग्राम देख रही हैं, तो पूरा हम टीवी पे देख नहीं पाए थे, लेकिन ये कि रेडियो से फॉलो कर रहे थे, और देहरादून में तो हमारे कुछ दोस्त वोस्त थे, वो लोग मिल करके इसको हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी ख़ास तौर पे। लेकिन सबसे अहम बात जो थी वो ये कि हम लखनऊ में नहीं थे, जाहिर है हम देहरादून में थे, वालिद साहब हमारे जो थे वो लखनऊ में थे, तो जब यहाँ वर्ल्ड कप जीता तो सबसे पहले अब्बा ने जो था वो एक पोस्ट कार्ड हमको भेजा, इसके पोस्ट कार्ड जल्दी पहुंच जाता था, और उसमें अब्बा ने ये लिखा कि जब मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान जीत गया है वर्ल्ड कप तो मेरी समझ में ये आया कि आपसे ज़्यादा मुस्तहक कोई नहीं है कि मैं उसको मुबारकबाद दूँ, और वो खत मेरे पास 2 दिन में पहुँच गया। वो इंतहा से ज़्यादा हमें मसरत इस बात की हुई कि हमको अब्बा ने मुस्तहक समझा। उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीता है हम लोगों ने 2007 में, तो हम ज़ाहिरी मस्कत आ गए थे, यहाँ बच्चे अच्छे सब हो थे हम लोगों के, हमारे साहबजादे जो हैं वो भी हमसे ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हैं, लेकिन वो उनके पास इमोशंस नहीं है, तो रोना, गालियाँ बकना, चिल्लाना मैच में ये सब वो नहीं करते हैं, और चूंकि खुद खेले भी हुए हैं। उसके बाद 2011 में ज़ाहिर ही थोड़े और हम बड़े हो गए थे, वो भी माशाल्लाह बड़े हो गए थे, और जब मैच हमारे साथ नहीं देखते हैं, इसलिए कि एक बार कुछ मैच हो रहा था उसमें हमने ज़रा बड़ी गाली दे दी आउट होने के ऊपर, तो उन्हीं ने कहा अब्बू जी एक प्लेयर के अब्बा का क्या कसूर है, आप क्यों गाली दे रहे हैं? वो समझ में आया कि इनका मतलब ये है कि अगर ये कहीं गाली खा जाएंगे तो वो भी हमको पड़ेगी, तो इन्होंने कहा कि नहीं अब्बू जी ये ठीक नहीं है। तो कल भी जो मैच हुआ तो उसमें वो घर के ऊपर नहीं थे, वो अपने साथियों के साथ देखने गए हुए थे मैच, और हम घर को हम अच्छा हमारी एक अजीब बात है कि हम थोड़े से इस मामले में जो है वो ख्याल ये रखते हैं कि हम मैच देखते हैं अगर पूरा तो इंडिया हार जाता है, तो हम मैच नहीं देखते, इसके क्या नाम है क्रिकेट इन्फो पे स्कोर देखते रहते हैं।
लेकिन कल हमारी बहू और माशाल्लाह पोती भी हैं, वो सब लोग मैच देख रहे थे तो हमको देखना पड़ा। उसमें एक आध बार मेरी बीवी ने टोका भी कर, देखिए बहू पोती भी है जरा अपने जबान पे लगाम रखिए, लेकिन फिर भी हमने कहा जब आउट हुए अपने खासतौर पर पंत, तो हमारा ख्याल जरा सा दूसरा था, और वो ये कि कोहली से ओपन नहीं कराना चाहिए था। अगर उसने अच्छा किया था आईपीएल में, तो आईपीएल में फील्ड दूसरी थी, प्लेयर्स दूसरे थे, बॉलर्स दूसरे थे, अपोजिशन दूसरा था, यहाँ वर्ल्ड क्लास अपोजिशन है, आप उसको ओपन कराए दे रहे हैं, वो बेचारा फेल हो रहा है, तो एक कमजोरी तो आ रही है, उस पर पंत को ऊपर भेजा जा रहा है। अगर जायसवाल को ये खिला लेते और दुबे को ना खिलाते, इसलिए जितना दुबे ने किया है वो तो बेचारा जायसवाल भी कर सकता था। एनीवे वो खैर पुरानी बात है। तो ये जब जीत हम लोगों ने हासिल की है, तो पहली बार हमारी बीवी ने कहा कि हमने आपको चिल्लाते हुए नहीं बल्कि रोते हुए देखा, वो इतना रो क्यों रहे थे आप? हमने कहा इसलिए कि भैया ये चीज एक ऐसी हो गई कि हारा हुआ मैच बिल्कुल, आई हैड गिवन अप, 30 balls, 30 runs, 5 wickets, और उस पर कैल्सन छक्के ही छक्के मार रहा, तो आई हैव गिवन अप। लेकिन बाद में अंसार साहब का भी फोन आया, और उसके बाद जब वो रात में आए तो उन्हीं ने आकर के अजीब हैरत तेज खबर दी कि साहब वो भी बहुत रो रहे थे, और उनका हम नहीं हमारे साथी जितने भी मैच देख रहे थे सब क्रिकेटर्स, इसलिए कि ये ओमान से खेले हुए हैं तो वहां पे क्रिकेटर्स भी थे सब, हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि सब लोग बाकायदा ऐसे रो रहे थे कि जिसे कहते नहीं है कि रोते रोते दाढ़ियां भीग गई आंसुओं से। और उसमें इन्होंने कहा कि इनका एक साथी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, उसका बेचारा जो है वो मैंने मतलब डायरेक्टर है, ये ओनर कहेंगे, तो वहां पे कुछ लेबर भी मैच देख रहे थे, तो उसको ये हुआ कि इनके सामने मैं बेइज्जती होगी, तो जब वो 2-3 run बाकी थे वो भाग गया, वो गाड़ी में जाकर के रोया और उसके बाद मुंह धो करके आया। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब समझिए कि फख्र भी है, और अल्लाह ताला इसको कायम रखे कि आंखों से जो है वो हम, हालांकि इतना हमने डिफीट शारजा में देखी है, इतनी डिफीट देखी है कि वो आदत सी बन गई थी। अच्छा, इसलिए बहुत 83 का जो जब जीता है उस वक्त याद है आपको क्या हमारा क्या कहते टेली कम्युनिकेशन का जो निजाम था, 9 बजे बुलेटिन आ जाता था पाकिस्तान में, तो आधे घंटे का ब्रेक हो जाता था, फिर थोड़ी देर बाद खबरें, और 2007 में इट वाज डिफरेंट, बिल्कुल बिल्कुल 2007 में बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, एक चीज और दिलचस्प आपको बताएं कि हम लोग जो मैच देखते हैं यहाँ के ऊपर, वो अब डिश विश से नहीं देखते हैं, वही जो वो एप्स आ जाते हैं टीवी के, IPTV है हमारा। अच्छा, चूंकि वो जाहिर है स्टार स्पोर्ट्स देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं, हमें ये लगता है कि ज्यादा लोग देखते होंगे, तो वो बफरिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा। तो किसी ने खबर ये दी, सेमीफाइनल और फाइनल भी हमने थोड़ा सा देखा, किसी ने खबर दी कि नहीं अगर आपको देखना है अलातुल देखिए तो PTV देखिए, PTV के ऊपर जो है एडवर्टीजमेंट कम होते हैं, और वो तब कमेंट्री तो यही दे रहा होता है। तो सेमीफाइनल हम लोगों ने, मी एंड अंसार ऑफ ऑल पीपल, वी वॉच्ड इट ऑन PTV। आप ये भी समझ लीजिए, मतलब इट्स एन आयरनी, लेकिन हम लोगों ने उस पर देखा, लेकिन कल जो था वो हम लोगों ने स्काई पे देखा, इसलिए कि उस पर एडवर्टीजमेंट बहुत कम होते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो एडवर्टीजमेंट इतने होते हैं कि आज बॉल खा जाते हैं ये। सबसे बड़ी अच्छी बात जिस टूर्नामेंट की जो रही वो ये कि सबने कंट्रीब्यूट किया जब जरूरत पड़ी। आप ये देखिए ना, इंडियन टीम की तरफ से सबका कंट्रीब्यूशन। ये तो अंग्रेज क्यों रो रहे हैं इंग्लैंड वाले के इंडिया को ऐसी कप दे दो, मैच क्यों कर रहे हो, और एडम गिलक्रिस्ट अलग है, माइकल वॉन अलग है, क्या क्यों रो रहे हैं भाई? इस पे देखिए, एक बार पता नहीं शायद आपको याद हो कि ना याद हो, एक मैच हो रहा था जिसमें ये क्या नाम है, रवि शास्त्री और नासिर हुसैन में बाकायदा टीवी पे ही झड़प हो गई थी, जिसपे रवि शास्त्री ने ये कहा था कि ये गोरे जो हैं ये IPL से जलते, ये लोग जो हैं ये IPL से जलते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ इंडिया की खराबी निकालते रहते हैं। अब आप खाली इस बात को नोट कीजिए कि जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या एशियन प्लेयर से कोई गलती हो जिसके ऊपर बैंड हो जाए, कुछ हो जाए, और जो इन लोगों से होती है, खास तौर पे वो जो सैंड गेट वाला हुआ था और माइकल अर्थरटन का वो सैंड जो जेब में रखी थी उन्हीं ने, और जो ये इसने किया था ऑस्ट्रेलिया वाले ने, ये अगर कहीं हिंदुस्तानियों से हुआ होता तो ये पूरी जिंदगी के लिए बैंड करा देते। ये जलते हैं, एक चीज तो ये है। दूसरे,
बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं दूसरे, देख इनका बनाया हुआ खेल है, मतलब ये तो इन्हीं का खेल था ना, तो इन्हीं के खेल में इन्हीं को मात देना इन्हीं के घर के ऊपर, ये कोई आसान काम नहीं है, आसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक, पाकिस्तान में लोग जाकर के जीत के जब आते थे लोग कहते थे कि अंपायर की वजह से हो गया, तो इमरान खान न्यूट्रल लाए, न्यूट्रल वो अंपायर लाए थे, इंडिया ही से लेके गए थे, वो रिपोर्टर साहब गए थे जिसको गाना वहां बना था, बंबई से आया मेरा दोस्त, तो वो चीज जो है वो इमरान ने कहा कि भैया ये चीज हटाओ, चलो अब तो बराबर हो गई बात। तो अब ये यहाँ आकर के वो अभी इंग्लैंड की टीम जो लेकर के आए थे अपने न्यूजीलैंड वाले मैकमिलन साहब, और हम फास्ट क्रिकेट खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, सब धुआं निकल गया यहाँ। अब कह रहे हैं कि इंडिया वही क्रिकेट खेल रहा है, अब इंडिया वही क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? आई डोंट, तब ऑस्ट्रेलिया से तुम्हें उम्मीद ही नहीं है, वो तो भला के बेईमान, भला के बदमाश, किसी चीज में एक तो कोई उनका कल्चर नहीं है, कोई उनकी बैकग्राउंड नहीं है, कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है, सब बिल्कुल ही ऐसे ही है। अब पॉन्टिंग है तो पॉन्टिंग, रिची रिकी पॉन्टिंग, इनको अप्पा का नाम कोई पॉन्टिंग होना चाहिए नहीं, वो पता चला कि साहब वो क्या नाम वॉर्न है, वो तो एबोरिजिनी से बता रहे हैं, इसलिए उनका तो हमें कोई नहीं है। अंग्रेजों से ज़रा तकलीफ होती है बिकॉज इनका एक कल्चर है, एक तरीका है, एक पढ़ाई है, अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग पढ़े लिखे लोग। अब जैसे अर्थटन थे, वो अर्थटन ये क्या नाम है जो वॉन साहब, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम ये है कि बम्बई में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, इनको वहां नहीं भेजा स्टार स्पोर्ट्स, अगर वहां भेज दिया होता तो ये भी तारीफ कर रहे होते। और दूसरे जैसे इमरान, उसने कहा उस दिन कैफ ने कि जब आईपीएल आने वाला होता है तो यही गोरे जो है पुराने पुराने प्लेयर्स जिनके जमाने में खेलते थे इंडियन, उनसे दोस्ती निकालते हैं कि भैया हमें आईपीएल में कमेंट्री के लिए बुला लो, पैसे कमाएंगे ना, तो वो सब चीजें। ये बताइए हमारा जो हुआ है सीन, पाकिस्तान टीम जिस डिच में जाके गिरे हैं, कैसे निकलेंगे इससे और क्यों गिरे हैं? देखो एक बात आपको बताया कि अभी आप ही क्या कि हम काफी पाकिस्तान के भी इधर यूट्यूब देख रहे थे, तो उसमें एक प्रोग्राम था हर्षा बोल रहा था, हर्षा भोगले, तो उसने आपकी टीम के बारे में यही कहा, उसने कहा था मुझे टैलेंट की कोई कमी नहीं दिखती है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है पाकिस्तानियों में, लेकिन ये कि हारना, देखिए एक तो हारने को हार लीजिए आप लोग, पूरे मुल्क में जो मातम बढ़ जाता है विच इज वेरी वेरी बैड फॉर द टीम ऑल्सो, मोरल ऑफ द टीम। इंडिया से हारे ठीक है, हमको भी पाकिस्तान से अगर हारे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके माने ये नहीं है कि सफ़े मातम बिछ जाए और उसके बाद घर को गालियां। जो एक बार हमारे में हुआ था जब वर्ल्ड कप में हम लोग बाहर हुए हैं और कैफ के घर पे भी काली पोत दी गई थी और सचिन को भी गालियां दी गई थी, बट दैट वॉज ओनली वन टाइम। आप क्या हिंदुस्तान से हार के अलावा कोई भी हार है उसका इतना मजाक बना लेते हो, अब वो चाचा बुढ़े हो गए और बाबर से छक्का नहीं पड़ता और रिजवान जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और वो जो आफरीदी साहब हैं, ये सब नहीं होता है भाई। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह समझो, इतने जज्बात उसमें लगाओ कि तुम्हारी टीम उस चीज को समझे, और हारना जीतना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो टीम आप लेकर के गए थे, जो पीएसएल के ऊपर अगर आपने टीम बनाई थी तो वो टीम गलत थी। साहिम अयूब को आपने देख लिया, साहिम अयूब बहुत उमदा पे खेल रहे, यहाँ कुछ नहीं कर पाए, फिर आपने जो था वो पहले उनको खुलाया, उसके बाद फिर बाबर और इनको शुरू किया, आपको पता है कि जब बाबर जो है वो छक्का अगर नहीं मार पाते हैं और रिजवान जो है वो स्कोरिंग ज्यादा करते हैं, तो रिजवान शुड हैव टेकन दैट अपॉर्चुनिटी। दोनों टाइम इंडिया जो पाकिस्तान से जीता है वो रिजवान बैटिंग कर रहे थे, उनके आउट होने पर जीता है, चाहे वो ये परसों यहाँ इस वर्ल्ड कप का मैच हो और चाहे वो था जिसमें 150 फॉर कुछ फॉर थ्री थे आप, उस पर भी बुमराह का ही इसका क्या नाम है रिजवान का ही विकेट गिरा। और दूसरे कीपिंग में हम आपसे भी कहा था कि साहब आई एम वेरी 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 सरप्राइज कि ये सरफराज को क्यों नहीं ले गए, रिजवान खेले लेकिन रिजवान के सेकंड जो है वो सरफराज होना चाहिए एज अ बैट्समैन, अब वो नहीं चले अपने आजम अलग बात है, लेकिन ये कि सेकंड आदमी जो था वो आपके पास होना चाहिए था वो सरफराज। और ये जो वापस वापसी है विच इज वेरी बैड, कोई आदमी रिटायर हो गया है उतने दिनों में, दो तीन साल में कितने बच्चों ने तरक्की की होगी कि हमको जगह मिल जाएगी, उसके बाद आपने उनको वापस बुला लिया, वो दोनों बच्चे बेकार हो गए, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। हाँ आमिर जो है वो भी हो, और ये कोई तरीका नहीं है कि आप पुराने प्लेयर बुला लें, एक आध कोई हो जैसे इमरान से जियाउल्लाह साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि वापस आ जाइए, वो सब मुमकिन है, लेकिन ये हो भी सकता है, धोनी से लोगों ने कहा, सचिन से लोगों ने कहा, लेकिन ये उनका भैया कभी भी हम जाएंगे ये प्रॉब्लम तो होनी है। अब देखिए इन दोनों बच्चों ने जो रिटायरमेंट हमारे यहाँ लिया है,
अपने ये कह दिया कि साहब लास्ट हमने T20 खेला है इंडिया के लिए, इट वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन, इसलिए कि इतने लोग दरवाजे खटखटा रहे हैं कि आपको जगह देनी पड़ेगी। ही वॉज आस्ट, कोहली वॉज टोल्ड कि अगर आप ओपन, हंसाटम से कहा गब्बू जी अगर कोहली ओपन नहीं करेंगे तो ही डजंट हैव अ प्लेस इन इंडिया T20। उन्हीं ने करके जो कुछ था अपना मैच जिता दिया, तो दिस द बेस्ट टाइम टू रिटायर। अब रिटायर हो गए तो ठीक है, रिटायर हो गए, आप पुराने प्लेयर्स को क्यों बुला रहे हो, वो भी 2020 में जो गेम ही जो है 25 वर्ष वालों का है यार। तो मेरा ख्याल तो ये है कि टीम सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी फिर, और दूसरे जब हारते हैं तो वो देव बेदी ने ही कहा था कि एवरी लूजिंग कैप्टन इज रॉन्ग, तो उस पे जो है वो सारी गलतियां भी बाबर पे आ गई। और बाप क्या, तो समझ में आ रहा है कि साहब एक दो तीन नहीं चार चार कैंप्स थे। तो मेरा ख्याल ये है, पता नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर रीजन। कोई टैलेंट में कमी नहीं है, आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में कह सकते हैं आप रियाज बैठे हुए सिलेक्शन के लिए, हमारे यहाँ जिस जाने में चेतन शर्मा थे बोर्ड ऑफ सेलेक्टर के चेयरमैन हो गए थे और वो कर रहे थे, तो श्रीकांत ने ये बात कही थी, श्रीकांत ने बात कही थी, कैन यू इमेजिन चेतन शर्मा इज अ चीफ ऑफ द सेलेक्टर्स, मतलब मजाक है क्या, उसका नतीजा देख लिया था आपने। तो वही आप क्या है, अरे भैया वहाब रियाज बैठे हुए हैं, पास में उनके अकमल बैठे हैं, टीम डिक्लेयर हो रही है, अरे क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है, ये कौन लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और यू टिक टिक मार कर रहे हैं, सब प्रोसीजर यार, ऐसे थोड़ी टीम अनाउंस होती है। तो नई टीम बनाइएगा, नो डाउट, अगर हारना है तो कुछ नए बच्चे लेकर के आइए जिनका फ्यूचर है, ये नहीं कि आप वो भतीजा और भांजा और क्या नाम है बहनोई ले आए, नो। अब जैसे जायसवाल है, कि जायसवाल हमारे यहाँ उसका फ्यूचर है, डबल सेंचुरी मारे हुए है टेस्ट मैच में, ये वो, उसको लेके आए नहीं खिलाया, लेकिन उसको फील मिल रहा है, उसको फील मिल रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इतने बड़े जो होते हैं उनके साथ रहने में क्या होता है। चहल कितना सीनियर प्लेयर है लेकिन पानी पिलाने के लिए भाई साहब वो सबसे पहले दौड़ के पहुंचता है वहां, इसलिए उसको पता है कि भैया हमको टीम जो दो आदमी खेल रहे हैं 11 आदमियों के सामने उनका क्या हाल होगा। तो ही इज देयर टू बैक देम अप, बैक योर टीम यार। हमारी समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानी खास तौर पर जर्नलिस्ट जो है वो, और वो जर्नलिस्ट जो टीवी पे आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो लोग एकदम से गद्दा क्यों पलट क्यों जाते हैं, ऐसा आया वैसा आया, उन्हीं ने इतने करोड़ की गाड़ी खरीद ली, उन्हें, अरे भैया वो हार के भी आए हैं तो भी 1-1 करोड़ रुपया सबको मिलेगा, इसलिए कि ये फीस है भाई, वो मैच दो जीत भी गए हैं तो क्या वो पैसे ना खर्च करे, अब वो वापस नहीं आए मारे डर के, 5 लोग वहीं रुक गए, अरे भैया उसमें 3 की फैमिली वहीं है वो रुक गए तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आ रहे हैं नकाब पहन के आ रहे हैं साहब ये कर रहे हैं, क्या बदतमीजी यार, दे आर योर हीरोज यार। हो सकता है मैं ज्यादा बोल गया हूँ लेकिन ये मैं ऐसा फील करता हूँ। अच्छा, तो इसको हम इसको अब खत्म करते हैं, बहुत मजे का हो गया, बहुत लंबा हो गया, तो नाज़रीन अब आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि मैं क्यों इतना बोलता हूँ। नहीं नहीं, खुश रहिए आप भी, और आपका क्रिकेट सलामत रहेगा इंशाल्लाह, उसकी फिक्र आप ना करें, मगर ये जरूर है कि क्रिकेट पे जरा ध्यान देने वाला, जैसे कस्टन आया है आपके यहाँ, उसका पहला ही रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, उसने क्या कह दिया, बिल्कुल सही कहा उसने, तो उसकी सुनिए, उसको भला ना दीजिए। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर यू, योर प्रोफेशन, योर क्रिकेट एंड योर कंट्री। अब इंशाल्लाह आपको हम दोबारा तंग करेंगे किसी एंटरटेनमेंट साइड पे, क्योंकि नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मामू जो है वो एंटरटेनमेंट में भी उतने ही मामू हैं हमारे जितने भी क्रिकेट में।